हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में डिबेंचर टॉपिक का एक कंसेप्ट पढ़ा था टाइप नंबर वन, जिसमें हमने डिबेंचर इश्यू किए थे तीन तरह से, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट। उसमें भी हमने टू टाइप्स पढ़े कि हम लमसम मेथड यूज कर सके या फिर इंस्टॉलमेंट में हमने डिबेंचर को इशू किया। आज हम टाइप सेकेंड की बात करेंगे कि जो हमारी जो टाइप सेकेंड है किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, टाइप नंबर टू, यहाँ पर हम बात करेंगे जो हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं, डिबेंचर इशूड अदर देन कैश। ठीक है, अदर देन कैश का मतलब इन काइंड, जो मैं डिबेंचर इशू कर रहा हूँ अदर देन कैश, यानी कैश में इशू ना करके डिबेंचर किसी काइंड में इशू कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम पहले उसकी बात करते हैं एंट्रीज की। तो यहाँ पे नॉर्मली सिर्फ दो ही एंट्री हम पास करेंगे इस टॉप टाइप में। एंट्री नंबर वन, जितनी भी हम यहाँ एसेट्स परचेज करेंगे या किसी भी कंपनी की एसेट्स लेंगे वो यहाँ पे क्या होगा, डेबिट। तो एंट्री बनी सन्ड्री एसेट्स, अगर उस एसेट्स का नाम है बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर तो वो नाम डेबिट हो जाएगा, अगर नाम नहीं मेंशन तो क्या डालेंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। टू, सन्ड्री लायबिलिटी, अगर हम उसकी कोई लायबिलिटी भी टेक ओवर कर रहे हैं, यानी हम बोल रहे हैं कि हमने उसकी एसेट्स टेक ओवर करी यानी ली 10 लाख की, और उसको मान लो उसको बिजनेस को या किसी इंसान को पेमेंट करनी थी अपनी 1 लाख, तो हमने बोला हम तेरी पेमेंट भी हम पे कर देंगे, तो यानी हम उसकी क्या टेक ओवर कर रहे हैं, लायबिलिटी। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, टू सन्ड्री लायबिलिटी, और जो बैलेंस फिगर आ जाएगा वो हम किस नाम से डाल देंगे, वेंडर। वेंडर का मतलब हम ड्यू कर रहे हैं यानी एसेट्स को परचेज कर रहे हैं ये मान के कि हमने उस एसेट्स को उधार में परचेज किया, तो वेंडर का मतलब जिससे हमने वो चीज़ परचेज करी। ठीक है, यानी वेंडर मतलब सेलर, जिसका नाम अगर क्वेश्चन में नाम मेंशन है तो नाम आएगा, नहीं तो किस नाम से, वेंडर। अब आते हैं सेकंड एंट्री, इसको पेमेंट करने की। ठीक है, तो सेकंड एंट्री में हमेशा क्या डेबिट होगा, वेंडर डेबिट, यानी जो पेमेंट होगा वेंडर क्या है, रिसीवर है, तो वेंडर या तो रिसीवर की वजह से डेबिट, या फिर वो जो लायबिलिटी थी वो अब क्या हो रही है, ख़त्म, क्योंकि मैं उसको पेमेंट कर रहा हूँ, तो वेंडर अकाउंट डेबिट। अब इसको पेमेंट में क्या कर रहा हूँ, अगर मैं नॉर्मली बात करूँ किसी को कैश दे रहा हूँ तो यहाँ पे कैश आ जाएगा, टू कैश। अगर मैं चेक से पेमेंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे टू बैंक यूज कर देंगे। ठीक है, अगर मैं इसको कोई बिल दे रहा हूँ तो बीपी के नाम से आ जाएगा। ठीक है, जिसे हमने बिल ऑफ एक्सचेंज वाले टॉपिक में पढ़ा था। ठीक है, बिल्स पेबल, मेन हमारा जो टॉपिक है डिबेंचर, तो यहाँ पे कुछ पेमेंट शायद कैश या बैंक में जाएगी, नहीं तो नॉर्मली ये वर्ड यूज होगा इस टॉपिक में कि हम इसको क्या दे रहे हैं, डिबेंचर। तो एंट्री बन जाएगी टू परसेंटेज डिबेंचर। ठीक है, ये एंट्री तब बनेगी जब मैं उसको इशू किस पे किए, एट पार पे। तो यहाँ पे भी हम तीन केस ले लेते हैं कि हमने जो डिबेंचर इशू किए वो किस पे इशू किए, पार। तो ये एंट्री रहेगी। अगर मैं डिबेंचर यहाँ पे प्रीमियम पे इशू कर रहा हूँ तो एंट्री में सिर्फ डिफरेंस कुछ खास नहीं होगा, एंट्री यही रहेगी। और प्रीमियम हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि क्या होगा, अगर याद हो आपको कि प्रीमियम हमारे लिए यानी कंपनी के लिए क्या है, प्रॉफिट, तो प्रीमियम कैपिटल क्रेडिट होगा, किस नाम से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो एंट्री क्या बनी, टू परसेंटेज डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, अगर मैं यही डिबेंचर इशू कर रहा हूँ मान लो डिस्काउंट पे, ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड, अगर मैं डिबेंचर किस पे इशू किए, डिस्काउंट, तो एंट्री क्या होगी, यानी फर्स्ट एंट्री सब में कॉमन रहने वाली है, सेम रहेगी, मेन है पेमेंट मैं किस हिसाब से कर रहा हूँ, ये एंट्री चेंज हो सकती है। ठीक है, तो वेंडर अकाउंट डेबिट, यहाँ पे पेमेंट अभी भी किसको जा रही है, वेंडर को जा रही है। टू परसेंटेज डिबेंचर रहता था पहले भी और अब भी, क्योंकि डिबेंचर दे रहा हूँ, मगर यहाँ डिस्काउंट पे दे रहा हूँ तो डिस्काउंट कंपनी के लिए क्या, लॉस, तो यहाँ पे डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री बनी वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट, 2% डिबेंचर। ठीक है, ये तीन केस, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट। मेन यहाँ पे हमें ध्यान में क्या रखना है कि जब हमारा पार पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मगर अगर प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे है तो डिस्काउंट या प्रीमियम का जो रेट होगा वो 10%, 12%, 15% या 5%, कुछ भी मेंशन हो सकता है। जब भी क्वेश्चन में या सॉल्यूशन में या प्रीमियम और अगर क्या आ जाता है, डिस्काउंट, तो हमें वर्किंग नोट में क्या निकालना पड़ेगा, वर्किंग नोट में हमें नंबर ऑफ
डिबेंचर निकालने पड़ेंगे। ये सबसे मेन इस टॉपिक का रोल है कि नंबर ऑफ क्या निकालना पड़ेगा, डिबेंचर, कि हमने उसको डिबेंचर इशू कितने किए। तो उसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए कि जो हमारा होगा पीसी अपॉन में आईपी। पीसी की फुल फॉर्म नोट कर लेना, पीसी का मतलब है परचेज कंसिडरेशन और आईपी का मतलब है इशू प्राइस। अब बात आती है कि इशू प्राइस का मतलब क्या, वैसे तो पिछले वीडियो में सीख चुके हो, मगर अगर मैं इसमें बोलूँ कि आईपी का मतलब क्या है, अगर प्रीमियम पे इशू कर रहा हूँ तो आईपी क्या होगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। अगर डिस्काउंट पे है तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, क्योंकि बताया था डिस्काउंट हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, और जो प्रीमियम होगा वो हमेशा एडबैक होगा। ठीक है, तो इस टॉपिक में ये टाइप नंबर वन का क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें जैसे ही प्रीमियम आया डिस्काउंट दिखे तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले वर्किंग नोट में नंबर ऑफ डिबेंचर। परचेज कंसिडरेशन का मतलब जितने के मैं डिबेंचर इश्यू कर रहा हूँ। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, मान लो मैंने 10 लाख की बिल्डिंग परचेज करी, तो वहाँ कहाँ पे आएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना, 10 लाख। मान लो कोई लाइब्रेटरी नहीं टेक ओवर करी तो वही किस में आ जाएगा, टू वेंडर 10 लाख। अब इसकी पेमेंट, पहला केस तो ये है नॉर्मली कि मैंने पार पे किया तो 10 लाख, प्रीमियम पे किया तो जैसे ही उसने बोला कि मैं प्रीमियम 10% है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फेस वैल्यू 100 प्लस 10, 110 से डिवाइड होगा 10 लाख। ठीक है, दूसरी टाइप्स का क्वेश्चन आता है कि मान लो 10 लाख में से मैंने उसको 4 लाख कैश पेमेंट कर दी, तो 2 कैश में तो चला जाएगा 4 लाख, और जो नंबर यहाँ पे पीसी का यूज होगा वो पूरा 10 लाख ना होके कितना यूज होगा, सिर्फ 6 लाख। पीसी का मतलब ये नहीं कि जितनी पेमेंट करनी है, पेमेंट का मतलब है यहाँ पे मैं कि डिबेंचर कितने के इशू कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसी में दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है कि मान लो ये तो बैलेंस फिगर निकला, मान लो क्वेश्चन में इसका भी अमाउंट गिवन है, ठीक है, तो एंट्री में थोड़ा सा चेंज आएगा, वो भी सिर्फ किस एंट्री में, फर्स्ट वाली में। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि किसका अमाउंट गिवन है मुझे, वेंडर का अमाउंट गिवन है। ठीक है, तो वेंडर का अगर अमाउंट गिवन है तो फर्स्ट एंट्री में चेंज होगा कि जितनी एसेट्स आई वो डेबिट होंगी अभी भी, टू अगर लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी भी आ जाएगी, और टू वेंडर, मगर इस बार क्या है, वेंडर का अमाउंट मुझे गिवन है। ये सबसे मेन है कि वेंडर का अमाउंट गिवन होगा तब ये टाइप यूज होगी, नहीं तो वो जो नॉर्मली बेसिक सिंपल वाली थी वही। अगर वेंडर का अमाउंट गिवन है, मान लेते हैं यहाँ पे जैसे 10 लाख, ठीक है, यहाँ पे 1 लाख, अगर इसका अमाउंट नहीं गिवन था तो मैं डायरेक्ट यहाँ 9 लाख पुट करता और पेमेंट कर देता, मगर मान लो यहाँ पे 8 लाख दे रखा है, ठीक है, तो बैलेंस फिगर डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं हुई, तो बैलेंस फिगर कहाँ पे आ रही है, नीचे। तो अगर बैलेंस फिगर नीचे आती है तो उसको हमें देना है कैपिटल रिजर्व कितना, 1 लाख। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कैपिटल रिजर्व कितना आ रहा है, बैलेंस फिगर 1 लाख। इसका मतलब क्या है कि मैंने उस कंपनी की या जिस सामने वाले की जो एसेट्स परचेज करी 10 लाख, और जो टोटल पेमेंट करनी है वो मुझे सिर्फ कितनी करनी है, 9 लाख, तो 1 लाख का मुझे क्या हो रहा है, कंपनी या मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कैपिटल नेचर का है, इसलिए किस नाम से गया, कैपिटल रिजर्व। मगर मान लो इसका रिवर्स हो कि यहाँ 10 लाख है और टोटल पेमेंट मान लो 11 लाख है या 10,50,000 है, यानी मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट करी, तो एक्स्ट्रा किस चीज़ की पेमेंट करी होगी, फालतू में तो मैं किसी को एक्स्ट्रा देने से रहा। ठीक है, तो मैं जो एक्स्ट्रा पेमेंट करी होगी, मैं एज्यूम करता हूँ कि वो उस कंपनी की या सामने वाले की क्या होगी, गुडविल। तो इसलिए अगर बैलेंस फिगर ऊपर आ रहा है तो किस नाम से डेबिट हो जाएगा, गुडविल। तो इस टाइप नंबर टू में सिर्फ इतना है कि अगर वेंडर का अमाउंट बैलेंस फिगर से निकल रहा है तो ये सब नहीं करना बैलेंस फिगर, ठीक है, तो ये सिंपल पेमेंट जाएगी। सेकंड टाइप में अगर बैलेंस फिगर नीचे आ रहा है, वेंडर की अमाउंट गिवन है, तो कैपिटल रिजर्व, अगर बैलेंस फिगर ऊपर आ रहा है तो यानी गुडविल के नाम से दिया होगा। ठीक है, तो ये टाइप नंबर टू हमारी यहीं ख़त्म होती है। टाइप नंबर थ्री में हम पढ़ेंगे कि जो डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं विद द टर्म ऑफ रिडम्पशन, ठीक है, विद द टर्म ऑफ रिडम्पशन का मतलब होता है रिडम्पशन, यानी मैंने उसको पेमेंट कितनी करनी है एट द टाइम, मैं इशू के टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब रिडम्पशन यहाँ पे हमारे पास दो केस आएंगे, पहले आप इसको नोट करिए, हो गया होगा नोट। अब आते हैं टाइप नंबर थ्री, जो आपके सामने लिखी हुई है कि डिबेंचर जो मैं इशूड कर रहा हूँ विद द टर्म ऑफ रिडम्पशन, यानी मैंने जब डिबेंचर इशू किया, यानी किसी से लोन लिया, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कि मान लो मैंने सामने वाले से लोन लिया 1 लाख,
तो मैं उसको कितनी पेमेंट करूँगा 5 साल बाद 6 साल बाद वो मैं आज ही डिसाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए वहाँ लिखा कि जो मैं डिबेंचर इशूड कर रहा हूँ वो कब, जो रिडम्पशन करूँ, रिडम्पशन का मतलब पेमेंट करूँगा एट द टाइम ऑफ इशू, मैं उसको ट्रीटमेंट कर रहा हूँ उसकी, ठीक है। तो इसके लिए हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे प्रूडेंस, जो आपने 11th में पढ़ा होगा। प्रूडेंस का दूसरा नाम होता था कंजर्वेटिज्म, ठीक है। कंजर्वेटिज्म यानी प्रूडेंस का मतलब वो प्रिंसिपल हमें बताता था कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेज को आज ही रिकॉर्ड कर लो, मगर फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को अभी रिकॉर्ड मत करो, ठीक है। उस समय हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा था कि मान लो, मान लेते हैं, मैं कोई श्योरिटी नहीं दे रहा, मान लेते हैं, ठीक है, कि कोई पेपर दे के आया, ठीक है, अगर उसको डर है कि उसकी कंपार्टमेंट आ जा रही है, ठीक है, तो वो ये नहीं कि कंपार्टमेंट आएगी तब वो पढ़ना स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि कंपार्टमेंट के टाइम जब रिजल्ट आएगा तो उसके डेज क्या होंगे, कम होंगे। तो हमें लगता है कि जैसे कंपार्टमेंट आने वाली है या हमारा पेपर अच्छा नहीं गया, तो हम आज से ही तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि फ्यूचर में होने वाले जो एक्सपेक्टेशंस हैं बेकार यानी लॉसेज, उसको आज ही हमने रिकॉर्ड किया, यानी आज ही हमने उसको एज्यूम करके मान लिया कि शायद ऐसा हो जाएगा, तो हम उसी को आज से तैयारी करनी स्टार्ट कर दी। मगर मान लो किसी का 100% पेपर वो करके आया, तो कभी ऐसा हुआ है कि तुम आप लोगों ने आज ही पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट दी हो? ऐसा तो कभी भी नहीं किया ना। पेरेंट्स को भी तुमने बताया हो कि मेरे 100% आएंगे, ठीक है, 100% आएंगे, तो क्या पेरेंट्स ने आज ही मिठाई बांट देते हैं या रिजल्ट आने के बाद? कंफर्म है रिजल्ट जब आएगा तभी मिठाई, बेशक तुम पूरे मोहल्ले में बांटो, घर में बांटो, अड़ोस पड़ोस में बांटो, ठीक है, मगर बिना रिजल्ट के तुम खुशी नहीं मनाते, वो कंफर्म जब हो जाएगा तभी मनाते हो। तो सेम यहीं पे कुछ ऐसा कंसेप्ट है कि वो कह रहा है जो मैं रिडम्पशन है, यहाँ पे दो केस हैं, रिडम्पशन या तो मैं किस पे कर सकता हूँ, पार पे या फिर प्रीमियम पे, ठीक है। मैं डिस्काउंट पे भी रिडम्पशन शायद कर सकूं, मगर इस वो हमारे कंसेप्ट में नहीं है। क्यों? वो कह रहा है कि जो फ्यूचर में होने वाली खुशी है, डिस्काउंट का मतलब होता है कम में पेमेंट करना, कम पेमेंट करना, तो कंपनी के लिए तो अच्छा ही है ना कि कम पेमेंट कर रही है, तो वो खुशी को आज रिकॉर्ड नहीं कर रही, वो सिर्फ किसको रिकॉर्ड कर रही है, या तो जो सेम वैल्यू पे करनी है या उससे ज़्यादा, ज़्यादा का मतलब लॉसेज, उसको रिकॉर्ड करेगी आज, ठीक है। पिछली कुछ 2 वीडियो पहले हमने पढ़ा था जो हम इशू कर रहे हैं वो किस किस पे इशू कर सकते थे, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे, ठीक है। तो अब इन्हीं 2 टॉपिक को मिला के टोटल हमारे जो इस टाइप 3 में हैं वो टोटल 6 केस बनेंगे, कि मैं डिबेंचर इशूड कर रहा हूँ एट पार, रिडम्पशन एट पार, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार, 3 केस ये हुए, ठीक है। फिर ये 3 केस दोबारा आएंगे प्रीमियम के साथ, यानी डिबेंचर इशूड एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम। तो ये 6 केस हैं इस टाइप नंबर 3। तो एक एक करके हम इन केस को नोट करते हैं। तो केस नंबर मैंने 1 पे बोला कि मैंने इशू किया किस पे, इशूड एट पार, एंड रिडम्पशन भी किस पे कर रहा हूँ, एट पार, ठीक है, ये केस नंबर 1 बनेगा। फिर केस नंबर 2 आएगा कि मैं जो डिबेंचर इशूड कर रहा हूँ वो किस पे इशूड कर रहा हूँ, एट प्रीमियम, एंड जो रिडम्पशन अभी भी किस पे कर रहा हूँ, एट पार। फिर थर्ड केस यहाँ पे लिख देते हैं कि जो थर्ड केस बनेगा वो किसका बनेगा, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट पार, यानी अभी ये जो 3 केस हमने पढ़े वो रिडम्पशन एट पार के हम नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे तो पिछली 2 वीडियो पहले आपने इन केस को पढ़ चुके हो, मगर इस टाइप नंबर 3 में दोबारा से रिपीट हो रहे हैं, तो हम रिपीट कर लेते हैं कि जो हमने फर्स्ट एंट्री सब में क्या रहेंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो ये याद अगर आ रहा हो धीरे धीरे आपको, तो ये लमसम के केस में हमने पढ़ा था कि जब भी फर्स्ट एंट्री होती है रिसीव की, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो अगर पार पे है तो कितना, 100-100 रुपये ही आया होगा, ठीक है, फेस वैल्यू। फिर सेकंड एंट्री इसकी बनती थी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर, तो इसमें भी कितना रहेगा, 100-100। ये मेरा केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 आया कि इशूड मैंने किस पे किया, प्रीमियम पे और रिडम्पशन एट पार। तो जब इशूड प्रीमियम पे करते हैं तो पैसा हमारे पास यानी कंपनी के पास
ज़्यादा आएगा तो बैंक में जो आएगी एंट्री वो क्या होगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये ध्यान रखना कि फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम दोनों में रहेगा। उसके बाद सेकंड एंट्री में क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर, और इसके साथ क्या आ जाएगा, अब आप भी बता सकते हैं साथ साथ कि इश्यूड अगर प्रीमियम पे कर रहा है तो उसके लिए क्या है प्रॉफिट, तो 2SPR यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहाँ पे तो हमेशा क्या रहेगा, फेस वैल्यू प्लस यहाँ प्रीमियम और यहाँ फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो ये सेकंड केस कवर हुआ। थर्ड केस में इश्यूड एट डिस्काउंट, तो जो बैंक में पैसा आएगा फर्स्ट एंट्री तो सेम रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, मगर जो इसमें पैसा आएगा वो कितना होगा, डिस्काउंट माइनस होने के बाद, तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। और सेकंड एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट होगा और साथ में क्या डेबिट होगा, डिस्काउंट ऑन इशू। टू परसेंटेज डिबेंचर, कुछ भी हो जाए ठीक है, पूरे चैप्टर में बस ये ध्यान रखना कि परसेंटेज डिबेंचर कोई भी टाइप हो वहाँ पे हमेशा क्या रहेगी, फेस वैल्यू, तो यहाँ पे कितना फेस वैल्यू डिस्काउंट में डिस्काउंट और यहाँ पे फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, तो ये मेरे तीन केस थे ठीक है। अब यही तीन केस बस यहाँ पार की जगह क्या बनने वाला है, प्रीमियम बनेगा ठीक है, तो पहले आप इसको नोट करो ठीक है, स्टॉप करके वीडियो को नोट कर सकते हो, मैं आगे बढ़ता हूँ ठीक है। तो ये तीन केस बचे हुए हुए कि इशूड एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम, और इशूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम। तो फर्स्ट एंट्री पे ध्यान रखना है कि रिडम्पशन का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, तो मैं ये फर्स्ट एंट्री स्पीड में लिख रहा हूँ, सेम टू सेम रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे चाहे रिडम्पशन पार पे करो चाहे प्रीमियम पे करो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा, यानी फेस वैल्यू 100-100 रहेगी यहाँ पे ठीक है। इसको अगर मैं नोट करूँ इस वाले केस में तब भी सेम रहेगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यहाँ पे कितना प्रीमियम इशू का इफेक्ट आता है, तो यहाँ पे क्या आया, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फिर थर्ड केस लास्ट में क्या आएगा, यहाँ पे सिक्स्थ केस में बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी इशू का इफेक्ट लेंगे तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट ठीक है। तो यानी अब सिर्फ सेकंड एंट्री में रिडम्पशन का इफेक्ट आएगा, तो याद इसको अगर मैं ट्रिक से बताऊं, यानी याद छः केस के हिसाब से करोगे तो लंबा जाएगा, तो इसको करना क्या कि जब भी रिडम्पशन प्रीमियम पे आ जाएगा, पिछले तीन केस में सेम रहने वाला है, बस इसमें दो एंट्री एक्स्ट्रा पास कर देना ठीक है। तो लॉस ऑन इशू डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, क्योंकि लॉस हो रहा है तो इसलिए डेबिट हुआ, और वो मेरे लिए नॉन करंट लायबिलिटी बन जाएगी कि फ्यूचर में ज़्यादा पेमेंट करनी है ठीक है। तो इसलिए एंट्री में एक्स्ट्रा क्या होगा, जैसे इसमें बात करूँ डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पिछले फर्स्ट केस में भी किया था, और यहाँ पे क्या था हमने 2% डिबेंचर फेस वैल्यू और फेस वैल्यू, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या पास कर रहे हैं, लॉस ऑन इशू यहाँ डेबिट हो जाएगा और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और यहाँ पे प्रीमियम वो वाला आएगा जो मैं रिडम्पशन के टाइम का प्रीमियम ठीक है। तो यहाँ पे प्रीमियम और प्रीमियम, इस केस में भी सेम कि डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट ठीक है, फिर 2% डिबेंचर और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये तो हमारा पिछला सेकंड केस की तरह हो गया कि यहाँ पे क्या रहेगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, फेस वैल्यू और यहाँ पे प्रीमियम, तो मगर यहाँ रिडम्पशन भी किस पे है, प्रीमियम। तो सेम वही दो एंट्री एक्स्ट्रा कि लॉस ऑन इशू डेबिट और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और यहाँ पे रिडम्पशन का प्रीमियम होगा ध्यान रखना हमेशा। इस केस में भी लास्ट केस डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, इशू डिस्काउंट पे है तो डिस्काउंट इशू वाला डेबिट, और रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, लॉस ऑन इशू डेबिट ठीक है। उसके बाद 2% डिबेंचर और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन,
ठीक है, तो बहुत इजीली सॉल्व हो गया। यहाँ पे क्या रहेगा, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, यहाँ पे फेस वैल्यू, यहाँ पे प्रीमियम प्रीमियम और यहाँ पे डिस्काउंट। ठीक है, तो यानी पूरे छः केस में बस ध्यान रखना कि अगर रिडम्पशन पार पे हो रहा है तो सिंपल, अगर प्रीमियम पे हुआ तो सेकंड एंट्री में एक्स्ट्रा क्या होगा, लॉस ऑन इशू डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कई बुक्स में इसको एक साथ भी दिखा सकते हैं कि लॉस ऑन इशू, मगर तुम अलग अलग दिखाओगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये हमारे टाइप नंबर 3 थी, तो नेक्स्ट वीडियो में आएगी हमारी टाइप नंबर 4। ठीक है, तो आज के लिए इतना, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बीस्ट के साथ, ठीक है, ताकि आपको कंटिन्यू टाइप नंबर 4, 5, 6 जितनी भी हैं वो कंटिन्यू आपको समझ आ पाए।